खाद्य और वितरण विभाग के अधिकारी ने सोमवार को शहर की राशन की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम के साथ नैनीताल के जिला आपूर्ति अधिकारी की टीम भी मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान अधिकारी संजय कठपालिया ने बताया कि राशन के समस्त दुकानों में लगभग 62 बिंदुओं के अनुसार चेकिंग की गई है। निरीक्षण में जांच की गई और सरकार के द्वारा जो राशन मुहैया कराया जा रहा है वो राशन उपभोक्ताओं को सही ढंग से मिल पा रहा है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी दुकान पर अनियमितता पाई जाती है तो दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। निरीक्षण कर रहे हैं, दिल्ली से आए हैं, भारत सरकार से, खाद्यान्न वितरण विभाग दिल्ली से। तो आज विजिट है एफपीएस का हमारा, तो विजिट करने आए हैं। कस्टमर से बात कर रहा हूँ जो हैं उनसे, तो मुझे अभी सुनने को आया कि जी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, सब ठीक है। और हमारे डीएसओ साहब भी यहीं खड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी दिखाया कि बिल्कुल ठीक है। और जो इनका फिंगर प्रिंट वगैरह सब आ रहा है वो एग्जैक्ट ही आ रहा है। हमारे मंत्री साहब को हमारा जो रिपोर्ट जाएगा उससे थोड़ा अपडेट होगा। कुछ अगर कमियाँ नज़र आ रही हैं तो हमारी मिनिस्ट्री से उसको दूर किया जाएगा, हमारी मिनिस्ट्री से उनको दूर किया जाएगा। कोई कमियाँ अगर हैं यहाँ पे तो डीएसओ साहब हैं यहाँ के नैनीताल के, तो कुछ ये करेंगे, कुछ हम लोग उनसे या वहाँ से करेंगे, तो ये सारा अपडेट हो जाएगा।